तो गाइज ये ढोलक वाले भैया हमें से पूछने जा रहे हैं कि यहाँ का चार्ज क्या लेते हैं बजाने के। पूछ क्या चार्ज है? अच्छा कुछ नहीं है, जो श्रद्धा है वो दे दो, ये चीज है। तो एक धुन बजाओ यार। इस तरीके का व्यू है यहाँ पे आगे से, ठीक है। इसके बाद में हम सीधा नीचे उतर रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा व्यू इस तरीके से है सरकुंडा देवी का। बहुत ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दर्शन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं क्या नाम है मसूरी से आगे के लिए। कहाँ जाने वाले हैं वो आपको वीडियो में बाद में बता दिया जाएगा। तो गाइस चलो हम ट्रैवल करते हैं आगे के लिए। इस सुरकंडा देवी के लिए हम यहीं से निकलेंगे, जो कि पड़ता है अपना धनौल्टी में। धनौल्टी से 7 किलोमीटर दूर है, तो हमने अपना धनौल्टी से 10 किलोमीटर दूर है, हमने अपना रास्ता चालू कर दिया। इस तरीके की रोड है गाइस। चलो हम सीधा सरकुंडा देवी के लिए मिलते हैं। यहाँ से आगे ना बर्फ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ठंड और बढ़ती जा रही है। धूप जरूर निकल रही है बट धूप अगर लग भी रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। तो यहाँ मुड़ेंगे इस तरीके से। तो गाइस चलो अब सीधे का सीधा हम आपको दिखाएंगे सुरकंडा देवी। भाई ये कुछ रास्ते में ट्रैक का है, ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रैकिंग करने के लिए, ठीक है। इको पार्क सुरकंडा देवी इस साइड से हम निकलेंगे अभी आगे, यहाँ पर जाएंगे सीधा का सीधा, ठीक है। ये पूरा ट्रैकिंग का रास्ते में पड़ा था, तो इस तरीके से है पूरा। चलो तो गाइस अब आगे चलते हैं। सुरकंडा देवी यहाँ से बचा है 2 किलोमीटर। तो गाइस हम सुरकंडा देवी जा रहे थे और हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिल रहा है, तो हम धीरे धीरे जाम खुलवा रहे हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी सी हेल्प भी करनी चाहिए इंसानों की, ठीक है। बहुत से लोग जाम खुलवा रहे हैं, मैं भी खुलवा रहा हूँ। तो गाइस हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है, ये रहा हमारा प्रसाद। और ये हमारा सुरकंडा देवी की रास्ता यहाँ से स्टार्ट होती है पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से। धूप पड़ रहा है फिर भी हम बना रहे हैं। ये रही हमारी सुरकंडा देवी की यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी। तो चलो गाइस ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये इस तरीके से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस सुरकंडा देवी मंदिर आ चुका है, ये देखो यहाँ से लोग जाम में फंसे हुए थे 1 घंटे से, ठीक है। ये हमारा भैया प्रसाद ले लिया है, ऊपर से रोप वे लेना है। तो ये कोई 100 सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ के आगे ऊपर। ये रहा सुरकंडा देवी, ठीक है। तो गाइस चलो ऊपर चल दिए घंटी उंटी बजा के, बहुत भीड़ है यहाँ पे। खतरनाक रास्ता। व्यू इस तरीके से, रोपे के लिए ऊपर चल रहे हैं अभी। तो गाइस सुरकंडा देवी पे जाने के लिए आपको 3 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। अभी मैं 1 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ, बाकी और चल रहा हूँ। तो गाइस फाइनली रोपवे तक आ चुका हूँ। अब यहाँ से रोपवे की टिकट देखते कितनी है और फिर ऊपर चलेंगे रोपवे से। 4 साल से अधिक की उम्र बच्चे का टिकट लेना अनिवार्य है। गाइस आ चुके हैं, इन टोटल 205 का टिकट है, दिख गया आपको 195 प्लस 10 रुपये GST, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा माहौल, ठीक है। अभी रोपवे के ऊपर चलते हैं अपन। तो गाइज इस तरीके से अपना रोपवे चलता है जो सामने आ रहा है, ठीक है, 1 बाय 1। और वहाँ ले जाएगा हमको वो रही सुरकंडा देवी का मंदिर। तो चलो गाइज, ठीक है, ये अपना यहाँ से पैदल ट्रैक है पूरा का पूरा, लेकिन रोपवे लेना ही पड़ेगा, आगे जाके प्रॉब्लम आती है। तभी यहाँ से हम लोगों का एंट्री है पूरा का पूरा रोपवे के लिए। तो गाइस फाइनली टिकट मिल गया रोपवे का, चलो एंट्री लेते हैं अब यहाँ से फटाक सीधे ये ले। चलो तो गाइस ये रोपवे की सीढ़ियाँ हैं कुछ इस तरीके से, और ये आ गए हम रोपवे के पास में, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके का बना हुआ है रोपवे अपना ऊपर जाने के लिए, वो जा रहे हैं सामने से रोपवे। ये अपना वेटिंग एरिया है जहाँ पर मैं अभी वेट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो गाइस अभी फिलहाल मैं वेटिंग एरिया में बैठे बैठे हमको आधा घंटा हो गया, दोनों लोग बैठे हुए हैं अभी वेटिंग एरिया में, सुरकंडा देवी के दर्शन करने के लिए आया हुआ था। तो गाइस रोपवे में एंट्री हो गई हमारी प्यारे तरीके से, अभी हम बैठ चुके हैं रोपवे के अंदर। तो गाइस अंदर बैठ गए, अभी यहाँ से पहुँचने में टाइम लगेगा 10-15 मिनट।
ऊपर आराम से 15 मिनट लगेंगे ऊपर पहुंचने में। पीछे रोक देते हैं, क्यों रुकी हुआ? हाँ ऐसे रोक देंगे, देखेंगे 15 मिनट लगेगा वैसे पहुंचने के लिए, अभी रोपवे में बैठे हुए हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से रोपवे चलता है अपना, बिल्कुल प्यारा धीरे धीरे तरीके से चलेगा, ठीक है। ये देखो स्टार्ट हो गया, जो ऊपर जाना है हमको वो है माता जी का मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर बहुत ऊपर है अभी। कुछ इस तरीके का व्यू आएगा यहाँ का ऊपर जाने तक ना। तो गाइस इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी खासी है, पुराने में रोपवे से अच्छी स्पीड है, दोचियां भी लगती हैं यार, ब्रेकर भी लगती है, ब्रेकर भी है। तो गाइस ये थोड़ा सा रोपवे रुकता भी है अपना, हाँ ये कोई 2-4 मिनट के लिए रुक भी जाता है रोपवे, ये गाइस पैदल का पद यात्रा, पैदल के लिए ये दिया हुआ है पूरा ट्रैक ऊपर चढ़ने के लिए पैदल के लिए, और ये रोपवे का है पूरा का पूरा। तो गाइस ये 4 रोपवे हैं जिसमें ना टाइम लगता है, तो एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। लटके हुए हैं अभी रोपवे में बीच में, ये देखो गाइस मैं रोपवे के अंदर। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं सुरकंडा देवी के लिए, तो उतरते हैं फटाक सीधे और बाहर निकलते हैं, उतर 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 फटाक, चल भाई। तो गाइस उतर गए अभी हम और अभी आगे चलते हैं, ये पकड़ लो यहाँ से, कितना ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है गाइस तो निकलते हैं ऊपर के लिए। भाई ये देखो भीड़ लगी हुई है, लगता है लौटने की। हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी, ये रहा सुरकंडा देवी का मंदिर ऊपर, तो हम लोग ऊपर चलते हैं फिलहाल में और दर्शन करते हैं। तो गाइस उतरने पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, तो गाइस यहाँ पे जूते रखने का बना हुआ है पूरा का पूरा सुरकंडा देवी के, यहाँ पे आने के बाद में हम लोग जूते रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस जूते वगैरह रख दिए, अभी विदाउट शूज ऊपर चढ़ रहे हैं। तो गाइस मेरे कान बनचालू हो रहे हैं बार बार, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे होंगे ये देखो। तो गाइस यहाँ पे हाथ धो जाते हैं जूते उतारने के बाद में, और ये देखो इतना ऊपर है हम लोग। तो गाइस यहाँ पे है ना सुरकंडा देवी पे आने के बाद में ना सारे के सारा मेरा है ना कान बंद हो गए। तो गाइस यहाँ से स्टार्टिंग होती है पूरी ऊपर के लिए, घंटी बजा दिया, चलो सुरकंडा देवी मंदिर। भाई इस तरीके का है, ठीक है। तो अभी हम इधर आ रहे हैं, ठीक है, सुरकंडा देवी पे पूरा, यहाँ तो डांस वगैरह चल रहा है, ठीक है। यहाँ से व्यू देखो आप गाइस नीचे का सुरकंडा देवी पे आने के बाद में, जो कि आपको व्यू इस तरीके का दिखेगा। देखो मैं वहाँ से जस्ट यहाँ से इधर आया हूँ ऊपर, मेरे कान बनचालू हो रहे हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो भी 2 डिग्री सेल्सियस है, इतना ऊपर ठंडक है, धूप बेशक आ रही है पर ठंडक बहुत ज़्यादा है, ठीक है गाइस। तो अभी पीछे चल रहे हैं, पूरा मंदिर का दर्शन करेंगे, इस तरीके से मंदिर है हमारा, ठीक है ठीक है। तो हालत सभी खस्ता होते हैं यहाँ पे, मेरी अकेले की नहीं हो रही। ये देखो यहाँ पे कुछ खाना पीना हो तो ऊपर आके आप खा सकते हो, प्रसाद वगैरह ऊपर भी मिलता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये पीछे अपना ग्लेशियर आ गया, बहुत ही पास में है ग्लेशियर, तो इसलिए इस तरीके के यहाँ पे वो है, कुछ पीछे से इस तरीके का व्यू आता है, ठीक है, सुरकंडा देवी का। और हम अभी दर्शन करने आ रहे हैं अंदर, ये देखो ये ग्लेशियर है पीछे, एक बार वहाँ चल के दिखाते हैं, उसके अंदर चलते हैं। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अंदर डाउन नहीं होगा। तो भाई सामने है अपना ग्लेशियर, वो देखो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पूरा व्यू आता है सुरकंडा देवी पे। चलो अभी दर्शन के लिए अंदर आ जाओ। तो गाइस ये साइड से कुछ इस प्रकार का है मंदिर, और वो दूसरा मंदिर हो रहा सामने, ठीक है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये देखो क्या बात है, ठीक है। अब हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का डांस होता है, डांस देख लो यार आप। ये देखो मैं भी करूँगा, लौट का ही करूँगा मैं भी, इस तरीके से होता है डांस, ठीक है। डांस करेंगे लाके, मंदिर का है मेन वाला मंदिर का है। तो गाइस एंट्री लेते हैं मंदिर के अंदर, एंट्री ले रहा हूँ एंट्री। ये है हमारा भाई सुरकंडा देवी मंदिर, इस तरीके से पूरा का पूरा, इस तरीके से बंद कर। Thank you.
ये वाले मंदिर में चलते हैं अभी। यहाँ पर ही फोटोशूट शायद मना होगा, बट हम कोशिश करते हैं यहाँ का तो ले सकते हैं फोटोज वगैरह। ठीक है, तो गाइज अभी एंट्री ले रहे हैं अंदर मंदिर के लिए। ये रहा अंदर। तो गाइज घंटा वंटा बजाने के बाद में हम दूसरे मंदिर में एंट्री ले रहा हूँ। मैं इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरी की पूरी ये देखो। ये मंदिर है अपना पूरा का पूरा इस तरीके से। ठीक है, सुरकंडा देवी का सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। मैंने चुपचाप से बना लिया है वीडियो, वैसे अलाउ नहीं है। तो गाइस उस मंदिर में दर्शन करने के बाद में आ गए हम। ये यहाँ पे सारी की सारी हवन जलाया जाता है इस तरीके से पूरा का पूरा। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ। ये हवन चलाया जाता है इस तरीके से। मैं इसकी पूरी परिक्रमा लगा लेता हूँ गाइस, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से अपने लिए थोड़ा सा ये लेकर जाऊँ, ताकि मैं अपने घर पे सभी को दे सकूँ। तो गाइस मैं अपने लिए भभूति ले रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है, बिकॉज मेरे हाथ गिरे हुए हैं। हमने रख ली भभूति और थोड़ी सी ले रहे हैं। आराम से हाथ मत जला, बस बस गुड़ी मुड़ी कर ले। ये हमने भभूति ले ली अपने लिए, बस इतनी बहुत है, इसको पैक कर। तो गाइज अब हम आते हैं हनुमान जी के मंदिर। ये ऊपर बना हुआ है। तो गाइज बहुत ही प्यारा है, हनुमान जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखो सामने, ये अपने हनुमान जी बाबा बैठे हुए हैं। ये तो हर जगह मिलते हैं गाइज, हनुमान जी बाबा अपने हर जगह मिलेंगे यहाँ पे। व्यू आता है फिर उसके बाद में हमारे भोलेनाथ मिलेंगे। भोलेनाथ बाबा ये बैठे हुए हमारे सामने। ठीक है, क्राउड बहुत ज्यादा है, क्राउड। इस तरीके का व्यू है यहाँ पे आगे से। ठीक है, इसके बाद में हम सीधा नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा व्यू इस तरीके से है सरकुंडा देवी का। बहुत ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दर्शन किए जाते हैं, पूरा पूरा इस तरीके से है। चलो अब हम अपने रोपवे पे चलते हैं फटाक सीधे। डांस अभी नहीं कर रहा, पहले मैं वहां जाऊंगा। शिवालय के साथ में मेरा फोटो नहीं हुआ अभी वहाँ पे। शिवालय के साथ में मेरा फोटो नहीं हुआ, शिवालय के गेट से नहीं आ रहे। ठीक है, तो गाइज ये ढोलक वाले भैया हम इनसे पूछने जा रहे हैं यहाँ का चार्ज क्या लेते हैं बजाने के। पूछ के चार्ज है, अच्छा कुछ नहीं है, जो श्रद्धा है वो दे दो, ये चीज है। तो एक धुन बजाओ यार, बजाओ। चलो अब हम उतरते नीचे, ये अपना रोपे पकड़ते हैं, सीधे नीचे मिलेंगे आपसे। ये है मंदिर, यहाँ से हमने एंट्री ली थी, अब हम वापस चलते हैं इस साइड से। नहीं नहीं, ये शायद और कोई वाला, ये तो व्यू वाला पॉइंट है यार, ये तो इस तरीके से व्यू वाला पॉइंट है पूरा का पूरा। यहाँ पे नारियल फोड़े जाते हैं, चीज देखा ना, भूल गया था मैं। तो गाइस हमने पूरे दर्शन कर लिए और अभी बाहर निकलते हैं। इस तरीके से पूरा व्यू हमने आपको दिखा दिया, अभी नीचे चलते हैं फटाक सीधे सुरखंडा देवी मंदिर। पूरे कान बंद, सब कुछ बंद, व्यू इस तरीके का है। चल चल। तो गाइज मुझे अभी कोई भी आवाज नहीं आ रहा। क्या? अच्छा ये बंद हो जाएगी 4:30। हाँ तो चलना, तो मुझे कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तो गाइज मैं नीचे जा रहा हूँ और हमारा रोपवे बंद होने वाला है, कान बंद है सारे के सारे। ठीक है, बस पहाड़ी लोगों के कान बंद नहीं होते। फिर तो बन चालू हो रहे हैं बार बार। वापस आ गए, अपनी चप्पल पहनते हैं फटाक सीधे, स्लीपर गाइज, स्लीपर। तो गाइस जूते पहन लिए हमने अपने, और अभी हम लाइन में खड़े हुए हैं इस तरीके से। भाई ये लाइन है, देखो रोपवे की लाइन पूरी की पूरी। तो गाइस अभी हम पार्किंग स्थल में वेट कर रहे हैं नीचे जाने के लिए।
यहाँ से उतरना, हम वापस अपने नीचे धन्नो के पास जा रहे हैं भाई। बहुत भीड़ आती है यहाँ पे, भाई ये डरक बहुत बेकार है सुरकंडा देवी पे उतरने की, चढ़ने की भी इसी तरीके से। तो उतर के फटाक सीधे नीचे चलते हैं यहाँ से, यहीं से जाना ना, ठीक है, अटल ज्योति योजना। तो गाइज मैं वापस आ चुका हूँ नीचे, पूरा उतरने वाला हूँ, ठीक है। ये वापस सामने लिखा है जय सुरकंडा देवी माता, ठीक है गाइज। तो अभी नीचे उतरता हूँ फटाक सीधे, वो आ गया अपना जय सुरखंडा देवी माता दूसरा गेट, और रोपवे वगैरह सारी चीजें करने के बाद मैं आ गया भाई नीचे 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 आ गया। यहाँ से प्रसाद लिया था तो हम पेमेंट कर देते हैं, अपना बैग उठाते हैं। तो गाइज मैं अभी जस्ट सुरखंडा देवी से उतर कर आ चुका हूँ नीचे फाइनली, पूरा दर्शन करके। और मुझे है ना, जो मैं रोपवे से गया हुआ था तो मुझे ना यहाँ पे जाने और आने में लगे टोटल 3 घंटे, पैदल जाता तो मुझे लगता पूरा एक दिन 24 आवर चाहिए था पैदल के लिए, बट वो इतना टाइम नहीं था मेरे पास में। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ मैं नीचे गाइस, तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस सुरकंडा देवी हम पूरा घूम चुके हैं, तो उसका ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं एक और न्यू एडवेंचर ब्लॉग में आगे। तो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।